लग रही है ना यमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 7 मिनट वाली इजी रेसिपी भिंडी की। भाई इतनी तेज़ गर्मी है और अगर सफ़र में अगर आप जा रहे हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, चाहे आप गर्मी से बचना चाहते हैं या फिर आप इसे सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है और अगला और पिछला किनारा कट करने के बाद में मैंने इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब रख दी है मैंने गैस पे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। और साथ साथ ये भी बता दूं कि भिंडी जो है हमने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ली है और उन्हें अच्छे से वॉश करके जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे कट कर ली है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और ये देखिए कटी हुई हमारी भिंडी। लेकिन मैंने साथ साथ यहाँ पर लिए 7 से 8 ग्रीन चिली इस तरह से लंबाई में कटी हुई, बीच में से मैंने इन्हें कट मार लिया है ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले चले जाएंगे। और मैंने लंबाई में जो है ना पूरी पूरी ग्रीन चिली इसलिए ली है क्योंकि बच्चों को ये वाली भिंडी बहुत पसंद है, तो हम अगर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मिर्ची को काट लेंगे ना तो फिर बच्चों को खाने में परेशानी आएगी। तो मैंने अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर जो मिर्ची है वो मैंने बिल्कुल पूरी पूरी रखी है। साथ साथ आपने देखा कि मैंने भिंडी कटी हुई डाल दी है। अच्छे से ऑयल में मिक्स करने के बाद में मैं इसे लगा दूंगी बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए ढक्कन। बहुत ज़्यादा धीमी आंच मत कीजिएगा, थोड़ा सा जो है ना धीमी से मीडियम, मतलब मीडियम आंच पे मैंने इसको रख लिया है 5 मिनट के लिए बिल्कुल। अगर गैस की आंच आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप बिल्कुल सिमर कर सकते हैं। और देखिए 5 मिनट के बाद में ढक्कन हटाते ही जो भिंडी की लार होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कहीं कहीं से कोई कोई भिंडी जो है क्रिस्प भी हो गई है, बिल्कुल होती है हल्की सी कुरकुरी सी। मैंने इसके अंदर जो हमारी ग्रीन चिली थी कटी हुई वो अब डाल दी है और ये जो नमक डाल रही हूँ मैं वो है स्वाद अनुसार 1/2 टीस्पून। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। अच्छा अब आप कहेंगे कि ग्रीन चिली आपने पहले क्यों नहीं डाली, क्योंकि पहले मुझे जो भिंडी की लार है ना वो ख़त्म करनी थी, नहीं तो वो मिर्ची पे कई बार चिपक जाती है और मिर्ची भी ऐसी चिपचिपी सी हो जाती है। तो इसलिए अब हमने डाली है यहाँ पर ये हरी मिर्च। और देखिए नमक और हल्दी डालने के बाद में हम यहाँ पर भिंडी आपको पहले दिखा दूँ। देखिए ये हल्की हल्की है, देखा आपने क्रिस्प हो गई और भिंडी की लार ख़त्म हो गई है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं फिलहाल डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 टीस्पून। बच्चों के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं तो मिर्ची कम डालें। और ये है घर का पिसा हुआ गरम मसाला जो कि बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। लाल मिर्च डालने के बाद में और धनिया पाउडर डालने के बाद में गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और फिर करिए इन मसालों को मिक्स मिक्स मिक्स, क्योंकि लाल मिर्ची वरना जल जाएगी। और अब हम 2 मिनट के लिए सिर्फ लगाएंगे ढक्कन बिल्कुल धीमी आंच पे ताकि जो मिर्ची हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाए। और 2 मिनट के बाद में ढक्कन हटाएंगे और गैस की आँच को कर देंगे बंद। और ये देखिए हमारी यमी सी भिंडी और मिर्च की ये बहुत ही आसान रेसिपी रेडी हो चुकी है। स्किन देखिए आपने मिर्ची की बिल्कुल सॉफ्ट हो गई 2 मिनट के अंदर ही। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आप हॉलीडे में अभी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं सफ़र पर जा रहे हैं या कहीं दूर दराज की यात्रा पर जा रहे हैं तो ये भिंडी बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। और अगर लग रही है बहुत तेज़ गर्मी और किचन में बहुत देर तक खड़े रहने का इस गर्मी में मन ना है तो बस ये बना लीजिए 7 मिनट वाली भिंडी की यम्मी सी डिलीशियस सी ये वाली सब्जी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जल्दी से बनने वाली तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसी बहुत ही यमी सी डिलीशियस सी झटपट बनने वाली सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।